खोराबार थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जवाहर यादव की 290 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर अभियुक्त जवाहर यादव पुत्र राम अवध यादव निवासी मदरहवा सुबा बाजार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसको देखते हुए गैंगस्टर एक्ट के धारा 14(1) के तहत अभियुक्त के पुत्र दुर्गेश यादव निवासी उपरोक्त की ग्राम तालकंदला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर में स्थित अराजी संख्या 207 व अभियुक्त की पुत्र वधु सीमा यादव पत्नी दुर्गेश यादव की ग्राम तालकंदला में स्थित जमीन व अभियुक्त के पुत्र अभिषेक यादव की ग्राम तालकंदला में स्थित जमीन को तहसीलदार सदर के नेतृत्व में खोराबार पुलिस की मौजूदगी में जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत 289,65,01,200 रुपये है। अब तक अभियुक्त जवाहर यादव की कुल 4,16,05,01,200 रुपये की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। अभियुक्त जवाहर यादव उपरोक्त के विरुद्ध शेष अन्य चल अचल संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में 2022 में भी एक गैंगस्टर के अभियुक्त जवाहर यादव की कुल 26 प्लॉट सीज किए गए थे गैंगस्टर अधिनियम में। उसी अनुक्रम को जारी रखते हुए कल कुल 90 प्लॉट जिनकी कीमत 289 करोड़ थी, इस प्रकार कुल अभी तक इस गैंगस्टर अधिनियम के इस मुकदमे में 416 करोड़ 5,01,200 रुपये की संपत्ति अभी तक जब्ती कर ली गई है और अभी भी कुछ संपत्ति जब्त होनी बाकी है। यह जब्तीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस अभियुक्त के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और इसके कुछ अन्य साथी, उनकी भी प्रॉपर्टी सीजर की जा रही है। वो सब ध्वस्तीकरण का कार्य गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कार्य है, लेकिन जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार जो जो संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई थी उसको पुलिस ने आइडेंटिफाई करके जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन के अनुक्रम में उनको सीज किया गया है। अभी तक कुल 416 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई। जवाहर यादव जेल में नहीं है और ना ही उनके कोई साथी हैं, वो जेल में हैं। थैंक यू।